शिट प्लेन पे लाइटनिंग हो रहा है, देखा क्या जस्ट? वेलकम गाइस, सो मैं आज आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर 4 इयर्स मेरी व्लॉगिंग वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे उन वीडियोस को लाइक अच्छे व्यूज आए थे, इवन इट वर एट द स्टार्टिंग, बट फिर भी अच्छे आए थे, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने उनको बंद किया। बट नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग इट अगेन एंड गेस वेयर वी आर गोइंग टुडे। आई वोंट टेल यू, जस्ट कम विद अस ऑन अ जर्नी एंड यू नो दैट वेयर वी आर गोइंग। सो नाउ लेट्स एंजॉय द मील। And this beautiful view over here. साफ सफाई चालू है यहाँ पे। External from outside. यार बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं ना, आपको लिटरली थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगेगा कि नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल सिटी में घूमते हैं हर जगह पे धूल धूल लगी हुई होती है, बट यहाँ पे लोग को एकदम स्ट्रिक्टली एकदम कंप्लीट मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज इंटरनेशनल क्राउड भी आता रहता है ना। मैंने और मेरे भाई ने अभी जस्ट चिकन पैटिस मंगाए थे और चाय और दो कॉफ़ी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक कॉफ़ी और दो चाय, बस खाए ही जा रहे। देखो इतना तो ख़त्म कर लिया अभी और वापस ही मंग गया। एयरपोर्ट पे आने के बाद ऐसे ही होता है हमेशा कि नहीं खाना होता फिर भी खाते। वी आर गोइंग फॉर डिपार्चर, मतलब काफ़ी टाइम है डिपार्चर के लिए अभी भी, बट फिर भी हम लोग जल्दी जा रहे हैं। क्या ना, लास्ट टाइम हम लोग जब दुबई जा रहे थे ना, ऐसे ही बैठे हुए थे कि हमें मतलब ध्यान भी नहीं आया कि टाइम हो गया था करके, और हम लोग बैठे थे खाने खा पी रहे हैं गप्पा गुश्ती कर रहे हैं, और फिर अचानक से देखा कि टाइम हो गया, और फिर हम लोग गए डिपार्चर के इधर तो पता चला कि वो लास्ट कॉल दे रहे थे, तो इसलिए हम लोग अभी पहले से ही यू नो प्रिकॉशंस कर रहे हैं, लाइक कि पहले ही जा रहे हैं, टेंशन नहीं चाहिए, वरना फिर ऐसे टाइम पर जाते तो थोड़ी किचकिच किचकिच भी हो जाती है। सो इट्स बेटर टू गो अर्ली। टाइम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं फ्लाइट के डिपार्चर टाइम होने का, अभी वेटिंग है काफ़ी, एटलीस्ट मुझे लगता है 1 आवर के लिए तो रुकना पड़ेगा ही। हमारा फ्लाइट तो लग गया है यहाँ पे, अभी मैं आपको जब फ्लाइट दिखाऊंगा तो आपको एक रफ आइडिया आ ही जाएगा कि हम एग्जैक्टली जा किधर है। ओ भाई देखो ना, बहुत लोगों के एयर ड्रॉप चालू है। एक काम कर, किसी को तो कुछ तो भेज दे, कहीं तेरे पाठा सेंड समवन, जस्ट क्लिक क्लिक, नो वन विल अंडरस्टैंड। कम मुझे भेज दिया यार, मास्क पहनने बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या ही बोलूँ, मास्क पहनो, पहनना होगा वरना घास देनी होगी इनको फालतू की। फाइनली रेडी फॉर डिपार्चर, आई विल शो यू बाय विच फ्लाइट वी आर गोइंग, सो दैट यू गेट अ रफ आइडिया अबाउट वेयर वी आर गोइंग। ओके, एंड द फ्लाइट इज लाइक द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। Yeah. Let's go. It's Singapore Airlines Airbus 8350. बहुत काफ़ी बड़ा फ्लाइट है ये, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा होगा, बट काफ़ी बड़ा फ्लाइट है। और बेस्ट पार्ट, एंटर करते ही हमें
ईयरफोन्स दे दिए इन फ्री, तो 5 hours का जर्नी है, बट थोड़ा भी ऐसा ये नहीं होगा, मतलब स्ट्रेसफुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टीवी भी है, सो वी कैन यूज इट। यार बहुत मज़ा आएगा। पैकेज बुक किया था मेरे फ्रेंड के थ्रू, और उसने लाइक ही हैज़ डन कंप्लीट अरेंजमेंट फॉर अस। तो अभी वहाँ पे ड्राइवर रुका हुआ है फॉर अस, सिर्फ अभी लगेज आने के लिए हम वी आर वेटिंग। पता नहीं क्यों बहुत टाइम लगा रहा है लगेज आने के लिए, वी आर वेटिंग मोर देन 20 मिनट्स। अभी तक वो मशीन स्टार्ट नहीं, ओ जस्ट अभी मशीन स्टार्ट हुई है। Let's see now. Let's have a look at this view. Green airport. Singapore is one of the green and best airport in the world. फिर भी हम लोग अभी ये दूसरे एयरपोर्ट पर आए हैं, वो जो मेन एयरपोर्ट है जहाँ पे मेन लाइक जिसके लिए मेन सिंगापुर फेमस है, वो वाला एयरपोर्ट अभी हाल फिलहाल में बंद है बिकॉज उसका मेंटेनेंस चालू है। आई शो यू, इसमें डिस्प्ले में दिखा रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत। ये वाला वो एयरपोर्ट है जो बंद है फिलहाल बिकॉज मेंटेनेंस चालू है। कोई नहीं, वापस आएंगे, स्पेशली फॉर एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट देखने के लिए कभी ना कभी वापस आएंगे। बट दिस इज़ आल्सो ब्यूटीफुल। ये फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक से समझ नहीं रहा होगा, बट सामने से बहुत मैग्निफिशेंट लग रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अब हम आपको मिलते हैं सिंगापुर के ब्लॉक 2 में, जहाँ पे हम जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। तो बाय फॉर नाउ, सी यू।